ओए टिप्सन, तेरे को मालूम है बाइस्टन में क्या चल रहा है? वो घटिया ईविल एल्क ने अब क्या कर दिया, उसने अपना पूरे का पूरा। अम्मे नो पीरो, ये सब छोड़, मेरे को अभी बहुत जरूरी काम है। कतई मैं न्यू अपडेट के लिए जा रहा हूँ बाहर, कतई 2 दिन तक जो भी हो खुद संभाल ले। टिप्सन ऐसा मत कर यार, कतई मैं तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। अबे सेठ यार, ये टिप्सन भी न्यू अपडेट के चक्कर में बाहर चला गया, अब मैं क्या करूं। मेरे को यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर मैं करूं तो करूं क्या? ईविल एल्क कतई पूरे बायस्टाउन को तहस नहस कर देगा 2 दिन के अंदर तो, और टिप्सन भी बाहर चला गया न्यू अपडेट लेने के लिए। एक काम करता हूँ, मैं ईविल एल्क के घर जाता हूँ और उससे है ना कह के आता हूँ कि भैया 2 दिन तक कुछ भी मत करिए वरना बहुत पिट जाएगा तू। मजाक कर रहा हूँ यार, ईविल एल्क अगर मेरे को देख लेगा तो बहुत मारेगा खुद ब खुद। खैर जो भी हो, अबे यार एक तो मैं गिरता पड़ता रहता हूँ यहाँ पर, अबे मेरी चोट लग गई। आयरन मैन तू इधर, अबे आयरन मैन तेरे को मालूम है? रो पी रो, तू अपने मैप पर देख। मैं मैप पर? अबे ये क्या है? ये वो है जो कि ईविल एल्क को रोक सकता है, गॉड स्पीड, उस फ्लैश मैन का दोस्त। वो समझ गया यार, अगर मुझे ईविल एल्क को रोकना है तो मेरे को इसको लाना पड़ेगा बायस्टाउन के अंदर, इस न्यू अपडेट को लानी पड़ेगी। मेरे को गॉड स्पीड चाहिए, लेकिन गॉड स्पीड के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश मैन जानता है, और फ्लैश मैन तो बहुत सालों से बायस्टाउन में दिखा ही नहीं है। अगर गॉड मैन, मेरा मतलब गॉड स्पीड को लाना है तो मेरे को फ्लैश मैन को ढूंढना पड़ेगा, पर ये फ्लैश मैन मेरे को मिलेगा किधर? अरे रे रुको, हम लोग एक काम करते हैं, तुम लोग तो जानते ही होंगे जो कि फ्लैश मैन है ना, वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया था उस सरेबियन डांसिंग बॉय का। हम लोग एक काम करते हैं, सरेबियन डांसिंग बॉय के घर चलते हैं, हो ना हो फ्लैश मैन के बारे में उसे ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होगा, क्योंकि आखिरी बार फ्लैश मैन को मैंने उसी के साथ देखा था सरेबियन डांसिंग बॉय के पास। पता नहीं यार, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को यार अगर ईविल एल्क को रोकना है तो गॉड स्पीड को लाना ही होगा बायस्टाउन के अंदर। अब यार एक तो इन पुलिस वालों का समझ में ना आता है, बार बार मारने के लिए आ जाते हैं मेरे को, कतई मार पाते हैं ना फिर भी मारने के लिए आ जाते हैं। जो मुझे पुलिस वाले, बेकार घटिया पुलिस वाले। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी से चलते हैं अपन लोग सरेबियन डांसिंग बॉय के घर के अंदर और पूछ के आते हैं, क्या भाई तू मेरे को देगा कि ना देगा कतई फ्लैश मैन को? फ्लैश मैन वाकई में सरेबियन डांसिंग बॉय के पास होगा? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस समय तो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सरेबियन डांसिंग बॉय का घर दिख रहा है और कतई रोप भी वहीं पर है, अब तो वही हमारी मदद कर सकता है। ओए सरेबियन डांसिंग बॉय, है क्या तू घर के अंदर? यहाँ पर तो कोई भी ना दिख रहा। सरेबियन डांसिंग बॉय, तू उस फ्लैश मैन को बता यार, वो फ्लैश मैन किधर है? रोपीरो, फ्लैश मैन के पास कोई न्यू अपडेट आई थी स्नोमैन की, और वो उसको लेने के लिए ईविल एल्क के सिटी में गया था, बस मेरे को इतना मालूम है, फिर तो वो वापस कभी आया ही नहीं लौट कर। अबे यार मैं तभी तो किसी को न्यू अपडेट लेने के लिए बाहर भेजता नहीं हूँ, क्योंकि यार इन लोगों पे कुछ होता तो है ना, कतई तुरंत ईविल एल्क के चंगुल में फंस जाते हैं और कतई ईविल एल्क उनकी ऐसी कम तैसी कर देता है। मैं जाता हूँ कतई बहुत सातिर दिमाग से जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी न्यू अपडेट हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इन सब में इतनी सारी न्यू अपडेट नहीं है कि जो ईविल एल्क का सामना कर सकें यार, इस वजह से मैं इन लोगों को कहीं भी भेजता नहीं हूँ बायस्टाउन से बाहर। सारी की सारी न्यू अपडेट सिर्फ और सिर्फ मैं ही लाता हूँ, रो पीरो ही लाता है। बे आराम से, कतई गिर जाऊँगा यार मैं, कतई अपनी बड़ाई बहुत हो गई है, जरूरत से ज़्यादा ही हो गई। खैर छोड़ो, अब मेरे को ईविल एल्क की सिटी में जाना होगा, वहीं तो मेरे को फ्लैश मैन के बारे में कुछ मालूम चलेगा, और फ्लैश मैन ही मेरे को दे सकता है गॉड स्पीड। क्या बवाल है यार, अब जे मेरे को फ्लैश मैन को ढूंढना पड़ेगा, पर मैं ढूंढूंगा कहाँ पर? रुको, फ्लैश मैन एक जगह मिल सकता है मेरे को, तुम लोग तो जानते हो जो डेंजरस विलन है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन आज भी है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। और रुक जा यार, एक तो ये कार अपने आप ही भागे जा रही है, लेकिन डेंजरस विलन फ्लैश मैन का बहुत अच्छा दोस्त था, हो ना हो हम लोगों को ईविल एल्क की सिटी में जाकर सबसे पहले उस डेंजरस विलन को ढूंढना पड़ेगा, वही हम लोगों को बता सकता है कि फ्लैश मैन मिलेगा कहाँ पर मेरे को। तो आ रहा हूँ मैं डेंजरस विलन, तेरे पास आ रहा हूँ। यार सोचने वाली बात तो ये है कि वो डेंजरस विलन मेरे को मिलेगा किधर, पर
डेंजरस विलन किधर पर मिलेगा मेरे को, एक काम करता हूँ मैं ना सबसे ऊंची, वो देखो मेरे को ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ने की जरूरत ही ना पड़ी, मेरे को देखो रेड लाइट दिख गई और वही सिंबल है उस डेंजरस विलन का। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं डेंजरस विलन के पास, आ रहा हूँ मैं डेंजरस विलन। बस ये मेरे को बता ही दे कि कहाँ पर है फ्लैशमैन, अगर ना बताया तो क्या होगा मेरा ईविल हल्क की सिटी में, मैं तो फंस जाऊंगा आकर, कतई मेरे को किसी भी हाल में ढूंढना तो पड़ेगा उस फ्लैशमैन को। इससे पहले मेरे को ईविल हल्क यहाँ पर देख लेना, फटाफट से काम निपटा के यहाँ से भाग लेता हूँ, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अभी ईविल हल्क की कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे को, क्योंकि तुम लोग जानते ही होंगे ईविल हल्क अभी बायस्टाउन में है, कतई बायस्टाउन की पुंगी बजा रहा है। हाँ छोड़ो अपन को क्या करना, अपन लोगों को अभी अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए। आयरन मैन तो बायस्टाउन में है ही, वो कह रहा था मैं संभाल लूँगा, वैसे तू ज़्यादा फिक्र करिए मत बायस्टाउन की, तो मैं ज़्यादा फिक्र कर नहीं रहा हूँ, आयरन मैन है कतई, आयरन मैन ही है यार, कैप्टन अमेरिका तो कतई है ही नहीं, वो कतई छुट्टी मनाने के लिए बाहर गया हुआ है, कतई इन लोगों को छुट्टियों की पहले मस्ती है, ईविल हल्क को कोई घंटा छुट्टी से मतलब नहीं है, वो तो कभी भी आ जाता है मुँह उठा के मारने के लिए पीटने के लिए। वाह आ गया यार आ गया, यहाँ पर और कुछ है क्या, यहाँ पर तो कुछ भी ना है, वो देखो वो रहा डेंजरस विलन। ओए डेंजरस विलन यार, ये यहाँ पर भी पुलिस वालों को परेशान कर रहा है, तेरी भैंस की आँख रुक, ओ मेरे को मारना नहीं है डेंजरस विलन को, वरना ये गुस्सा हो गया तो बहुत मार होएगा जो मेरे को। ओ डेंजरस विलन मैं देख यार यहाँ पर तेरे से बड़े प्यार से बात करने के लिए आया हूँ, मेरे को फ्लैशमैन के बारे में बता दे यार। ओ शिट यार फ्लैशमैन कहाँ पर है, डेंजरस विलन कुछ बताएगा मेरे को, वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त था ना। ओ चले जा रोपीरो यहाँ से, अबे मैं ना जाऊँगा, मेरे को बता पहले नंबर। रोपीरो फ्लैशमैन मेरे को लेने के लिए आया था, लेकिन ईविल हल्क ने उसे अपने मिलिट्री बेस के अंदर कैद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। क्या अबे उसने ऐसा क्यों किया यार, पर मैं क्या ही बताऊँ अब तुम लोगों को। ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, अबे यार जा रहा हूँ घटिया डेंजरस विलन तेरे इलाके से जा रहा हूँ, पता ना इसको कितनी ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरे को ही मारता रहता है, फिर से मारेगा क्या, इससे पहले मारे भाग ले रोपी रो। थक गया यार कतई बड़े भयंकर तरीके से थक गया। खैर तुम लोग यार ये सब छोड़ो, अब अपन लोग ना एक काम करते हैं, फटाफट से जाते हैं। अबे यहाँ तक बम फेंक रहा, पागल हो गया क्या घटिया डेंजरस विलन, अब तो मैं तेरे इलाके से दूर अभी गया नहीं हूँ, थोड़ा सा यार निकल जाओ यहाँ से, वरना ये पीछे छोड़ेगा ना, ऐसे ना पीछे छोड़ेगा मेरे को, फटाफट से ना यार। मैंने स्नोमैन से कहा है कि यार मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर दे दे, पर ये हेलीकॉप्टर आ गया यार, मैं तभी तो हेलीकॉप्टर के लिए तो यहाँ पर खड़ा था, वरना मेरे को कोई शौक ना आया घटिया डेंजरस विलन के इलाके में खड़े रहने का। अब तू यहाँ पर कतई रोते रहे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सही है यार कतई बहुत सुअर इंसान है ये डेंजरस विलन। खैर यार तुम लोग ये सब छोड़ो, वो देखो कतई सामने मिलिट्री बेस तुम लोगों को दिख रहा है, मेरे को ना दिख रहा है यार, क्योंकि बहुत कोहरा है कतई, मेरे को समझ में ना रहा गर्मियों में भी यहाँ पर इतना धुंध कैसे छाई हुई है, कतई पूरा शहर रेत का बना हुआ है, कतई रेत में मिटा हुआ है। ये देखो यार कतई आखिरकार मिलिट्री बेस मिल गया, आप फटाफट से चलते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। ओए रुक जा, अबे पागल, अबे मैं तो गया कतई काम से, वो काम तमाम होने से बस बच ही गया नेक। कतई ये सब छोड़ो, हम लोगों को फटाफट से मिलिट्री बेस के अंदर, तो अगर ये हेलीकॉप्टर को देखो कितना मस्त तरीके से आ रहा है। वो यार यहाँ पर वो देखो बोरा बंकर, वो ये लगता है सबसे सेफ बंकर यहाँ का, क्योंकि यहीं पर हो सकता है। चलो अंदर चलते हैं। फ्लैशमैन फ्लैशमैन, अब यार इससे पहले सोल्जर अंदर आ जाएं, पूरी की पूरी दीवार तोड़ के फटाफट से फ्लैशमैन को ढूंढ के यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ पर हो सकता है फ्लैशमैन। ओ फ्लैशमैन बाहर निकल, ओ फ्लैशमैन, अबे फ्लैशमैन तेरे को मालूम है मेरे पास एक न्यू अपडेट आई है, वो भी उस गॉड स्पीड की ईविल हल्क को रोकने के लिए, कुछ कर यार मेरे को बता वो गॉड स्पीड कहाँ है। अच्छा ठीक है यारो, तुम लोगों को मालूम है फ्लैशमैन का जहाँ पर पुराना घर है ना बायस्टाउन के अंदर, बायस्टाउन के अंदर फ्लैशमैन का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना घर है, वहाँ पर ही मेरे को मिल सकती है गॉड स्पीड की न्यू अपडेट। मैं तभी कहूँ यार मेरे मैप पर शो तो कर रही है लोकेशन, पर मेरे को मिल क्यों नहीं रही है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि वो लोकेशन कहाँ से शो कर रही है। अबे निकाल मेरे को कोई, अबे हट जा, ओ बच गया कतई बाल बाल बच गया। यारो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ लोकेशन कहाँ से मेरे को आ रही है उस गॉड स्पीड की, पहले नंबर तो यहाँ से निकल जाता हूँ, ये देखो इधर ही से मेरे को लोकेशन आ रही थी, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अपना मैप खोल के, ये देखो यहीं से मेरी लोकेशन आ रही है, पर कहाँ पर है गॉड स्पीड, इस कार के अंदर हो सकता है, इसको तोड़ देता हूँ। गॉड स्पीड बाहर निकल यार,
गॉड स्पीड तो यहाँ पर भी नहीं है यार, यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर हो? एक मिनट, कहीं यही तो नहीं है? वैसे भी जो भी पावरफुल न्यू अपडेट होती है वो इन्हीं बक्सों में होती है। है क्या गॉड स्पीड? गॉड स्पीड, वो यार ये देखो आखिरकार मेरा फैक्ट सही निकला, गॉड स्पीड मिल गया आखिरकार। यार वो तुम लोगों को मालूम है मैंने फ्लैशमैन से कह दिया है कि गॉड स्पीड और फ्लैशमैन दोनों के दोनों कतई मिलकर काम करो और कतई उस ईविल हल्के की पुंगी बजा दो। कतई टिप्सन भी बाइस्टाउन में वापस आ चुका है और कैप्टन अमेरिका से भी हम लोगों ने कह दिया है कि जल्दी से बाइस्टाउन आ जा, वो भी कल परसों में बाइस्टाउन आ जाएगा। अब उस ईविल हल्के को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। खैर तुम लोग इन वीडियो को देखो, मचे लो जिंदगी के।